तो कामयाब मुरीद कौन है? देखें, एक पीर साहब बादशाह के इलाके में आए। पीर थे, रियाया सब पीर साहब के पीछे पीछे चलने लगे। सारी रियाया पीर साहब की गुलाम बन गई। 10,000 से ज्यादा उनके मुरीद हो गए। कितने? मोर देन 10,000। अब बादशाह अंदर अंदर से जलने लगा, यार ये क्या, खाते मेरी हैं, गाते उस बूढ़े की, रियाया मेरी है, प्रजा उसकी बने। अंदर अंदर से जलने लगा, वो होने लगा, इनकबाज हुआ तो उसने अपने मुजीरों से कहा, यार कुछ करो, ये बुड्ढा यहाँ से जाए। बिला वजह मारा एकदम हमारे मुरीदों को, उसने हमारी रियाया को उसने खरीद लिया। क्या उसकी नजर में कुछ ऐसा असर है बाबा, बादशाह सलामत ऐसा असर है कि जो उसे देखता है उसी का हो जाता है। यार कुछ करो ना, तो इसको खत्म करोगे, खत्म करेंगे तो सारी रियाया आपको खत्म कर देगी। सब उसके मुरीद, और मुरीद अपने पीर के मामले में समझौता नहीं करते, खत्म कर देते। लेकिन क्या करें, तो एक मुशीर वहां बैठा था, वो आया, उसने कहा एक आइडिया, आई हैव एन आइडिया, बहुत जबरदस्त आइडिया, फेनोमिनल आइडिया। क्या कहना? आप पीर साहब को बुलाइए, और जब आ जाए तो उनसे एक सवाल कीजिएगा। कहें क्या सवाल? कहना पूछिएगा कि पीर साहब आपके 10,000 मुरीद हैं, और आपका दावा यह है कि सारे मुरीद आपकी चादर के नीचे आएंगे। मैदान कयामत में जब सूरज सवा नेजे पे होगा तो सारे मुरीद चादर के नीचे आएंगे, ये आपका दावा है? वो कहेंगे हाँ। तो आप कहिएगा कि आपकी चादर तो 2x4 की, मुरीद 10,000 कैसे आएंगे, बाकी कहाँ जाएंगे? जाहिर है कि उसका जवाब दे नहीं पाएंगे। और आप ये कहिएगा कि अगर जवाब दे दिया तो मैं तेरा मुरीद हो जाऊंगा, और नहीं दिया तो मेरी हुदूद सल्तनत से दूर तुझे जाकना पड़ेगा, यहाँ से भागना पड़ेगा। वेरी गुड आइडिया। पीर साहब को बुलाया गया, बादशाह ने सेम क्वेश्चन किया कि पीर साहब आपके 10,000 मुरीद हैं, चादर आपकी 2x4 की है, जाहिर है कि इसमें 4 मुरीद से ज्यादा तो आएंगे नहीं, 5 मुरीद, 6 मुरीद। तो आपने तो कहा कि कयामत के दिन मेरी चादर के नीचे मेरे मुरीद रहेंगे, तो कैसे रहेंगे समझाओ? और याद रखना, अगर समझा दिया तो मैं तेरा खुद मुरीद हो जाऊंगा, और नहीं समझा पाए तो मेरी हुदूद को छोड़ के आपको तड़ी पार होना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, जिला वतन होना पड़ेगा। कहें ठीक है, लेकिन बादशाह सलामत बड़ा कठिन सवाल किया है, इतनी जल्दी जवाब नहीं दे पाऊंगा, मुझे 2-3 दिन का मौका दो। कहें ठीक है, दिया जा। पीर साहब चले गए। इत्तेफाक ऐसा कि दूसरे दिन बादशाह के घर चोरी हो गई, और चोर पकड़ा भी गया रंगे हाथ। चोर 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 चोरी करके भाग रहा था कि अचानक कोई चीज से ठोकर लगी, टंटन की आवाज आई, लोगों ने चोर को पकड़ा, और यह तय किया कि बादशाह की खिदमत में ले चलो। बादशाह सलामत के पास जैसे ही चोर पहुंचा, बादशाह ने कहा, अरे पहले चोर के रुख से पर्दा तो उठाओ, देखें किसने इतनी हिम्मत की मेरे सराय में आके चोरी की। जब पर्दा हटाया गया तो देखा वही पीर साहब। पीर साहब, बादशाह चौंक गया, मैं तुझे क्या समझता था, तू क्या निकला, यू चीट, इतने बड़े धोखेबाज। पीर साहब शर्मिंदा रंगे हाथ पकड़े गए, न मुंह में जबान है, न आंख में नजर है, कुछ नहीं, चुपचाप। कहीं नवाब आपको सजा मिलेगी, कहीं बादशाह मुझे माफ कर दो। कह रही माफी नहीं मिलेगी, मेरे बुढ़ापे पे तरस खाओ। नहीं, कहीं मैंने ये सोचा था कि जवाब तो मुझसे बनेगा नहीं, सवाल ही ऐसा था, बहुत सोचा, जवाब नहीं बना तो मैंने सोचा कि भागना है तो लाओ कुछ सामान बटोर के भागे। इसी इरादे से आपके महल घुसा था, कभी चोरी की नहीं थी, इसलिए टैक्टिक्स नहीं मालूम, पकड़ा गया, माफ करो। नहीं माफ किया जाएगा, आपको महल के सराय के सामने फसील पे खड़ा करके आप पर कोड़े मारे जाएंगे। तब जाके पीर साहब का ईमान थोड़ा सा जागा। देखो अब मेरी आंख खुल गई, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे मारो, लेकिन अपनी फसील पे नहीं बल्कि चौराहे पे मारना, मेरे सारे मुरीदों को इकट्ठा करके मारना, डिग्गी पिटवा के मारना,
ताकि आइंदा जब कभी कोई दाढ़ी रख के साफा बांध के कोई बूढ़ा आवे तो झटके में लोग मुरीद ना हो जाएं, किसी की जाहिरी नमाज और तकवा देख कर मुरीद ना हो जाएं, उन्हें भी एक इबरत मिल जाए कि लोग कैसा फ्रॉड करते हैं। बादशाह को आइडिया पसंद आया, कहीं ठीक कहते हो, पूरे शहर में डुग्गी पिटवा दी, इतने टाइम पे सब लोग आ जाना, पीर साहब ने चोरी की है उनको सजा भी दी जाएगी, कोड़े मारे जाएंगे। चारों तरफ से बांस बल्ली लगा दी गई, बीच में पीर साहब का हाथ बांध दिया गया, एक जल्लाद जो है हाथ में कोड़ा लिए है बादशाह सामने, इससे पहले कि कोड़ा पड़ता मुरीदों की नफरतें देखने वाली थी। कोई टमाटर फेंक रहा था, कोई सड़ा आलू फेंक रहा था, कोई अंडे फेंक रहा था, कोई चप्पल से मार रहा था, कोई ढेला पत्थर फेंक रहा था, कोई ये कह रहा था कि मैंने इतने नजराने तुझे दिए, इतना बड़ा धोखा दिया तू, इतना बड़ा चीट निकला, इतना बड़ा धोखेबाज निकला, सब चीख रहे थे चिल्ला रहे थे। इसी बीच बादशाह ने हुक्म दिया कोड़े मारे जाए, पहला कोड़ा पड़ा पीर साहब के मुंह से निकला, आ दूसरा पड़ा तो कपड़ा फट गया, तीसरा पड़ा तो खाल उजड़ गई, चौथा पड़ा तो पीर साहब नीचे गिरने की पोजीशन में गर्दन लटक गई। इससे पहले कि पांचवा कोड़ा पड़ता उसी बांस बल्ली को तोड़ते हुए चार पांच मुरीद आगे बढ़े और अपने पीर से लिपट गए और कहे बादशाह सलामत, अगर मेरा पीर चोर है तो हमें भी सजा दे, हम इसके मुरीद हैं, अगर ये बदकार है तो हमें भी सजा दे, हम इसके मुरीद हैं, अगर इसने नुकसान किया है तो हमें भी सजा दे, हम इसके मुरीद हैं, हम अपने दिल पे काबू नहीं पा सकते, आखिर हम इस दिल का क्या करें, इसे तो हमने इस बूढ़े को दे रखा है, हमारी आंखें इसे रोता हुआ नहीं देख सकती, तड़पता हुआ नहीं देख सकती, बिलखता हुआ नहीं देख सकती, या तो तू इसे छोड़ दे और अगर मारना है तो ये बाकी के हिस्से हमारी पीठों पे मार, हमारे पीर को ना मार। इतना कहना तब तक उस बूढ़े पीर ने अपना सर उठाया और अपना रुमाल फैलाया और उन चारों को उसके अंदर रखा और कहा बादशाह बता क्या ये चार मुरीद भी इस रुमाल में नहीं आएंगे, क्या ये चार मुरीद भी इस रुमाल में नहीं आएंगे। जरा सोचो कितने सख्त इम्तिहान से पीर गुजरा बादशाह का जवाब देने के लिए, मुझे बताओ अब तो फैसला करो कि जलसे में हाथ पे हाथ रख के चादर पकड़ के, मुरीद तो हजारों होते हैं मगर जो अपने पीर की मुराद होता है वो चार ही पांच होते हैं, बस वो चार पांच में मैं रहूं, इसी तगो दो में मुरीद भागता है, दौड़ता है सहाबा की मुकद्दस जमात पर, मेरे माँ बाप कुर्बान अहले बैत सुबह कयामत तक अजीम है, मगर वो चार सहाबा और वो चार अहले बैत नबूवत को इस नील गगन ने नहीं देखा, ना अबू बकर की सदाकत, ना उमर की अदालत, ना उस्मान की सकावत, ना अली की करामत, ना फातिमा की तहारत, ना हसन की इमामत, ना हुसैन की शहादत, न दर वालों में ऐसे चार, न घर वालों में ऐसे चार। तो सहाबा तो सब थे मगर चार ऐसे थे जिन पे मुस्तफा को नाज था, अहले बैत तो कयामत तक है मगर चार ऐसे हैं जिन पे मुस्तफा को नाज था, ऐसे ही मुरीद तो सब होंगे लेकिन चार ऐसे होंगे जिन पे पीर को नाज होगा। तो अब कामयाब वो है जो अपना नाम उन चार में से एक में करवा ले। इसी तगहदो में लोग अपने पीर की खिदमत करते हैं, यहाँ अकल नहीं लगती कि ये अच्छा नहीं हुआ वो गलत हुआ, यहाँ सिर्फ ये देखा जाता है मेरे पीर ने क्या कहा। That's all. We have no time to listen. हमारी अक्ल पे तो मेरे पीर ने पहरा लगा रखा, अब तो जो दिल कहेगा वही मानेंगे और दिल मेरे दिलदार के साथ है, मेरे यार के साथ है और वही दिल कामयाब है जो अपने मुख्तार के साथ हो, अपने यार के साथ हो। तो अपने आप को कामयाबी की शाहराह पे रखना है तो सच्चाई का साथ देते रहो,
सच्चाई की तरफ बढ़ते रहो, और अगर ये ना पता हो कि सच्चाई किधर है तो सच्चा ढूंढो किधर है। जो सच्चा है उसी का दामन थाम लो, और जिसका थामा है उसका दामन छोड़ना मत। अगर यहाँ दामन छूट गया तो वहां सब कुछ रूठ जाएगा। मौला करीम हम सबको अपने मुर्शिद बरहक की ताबेदारी नसीब फरमाए, और सहाबा और अहले बैत का दामन सुबह कयामत तक हाथ में रखे।